कुछ क्वेश्चंस चल रहे थे पावर के, ठीक है ना। दो एक क्वेश्चन और करके फिर नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इसी चैप्टर में है कोलिजन। एक मिनट और रुक जाएगा, चलो देखो। एक क्वेश्चन है, बहुत सारे स्प्रिंग वाले क्वेश्चन कर लिए थे हमने, करवा दिए थे मुझे लगता है। एक क्वेश्चन है, लिखिएगा। A light spring of length 20 centimeter, light spring of length 20 centimeter and force constant 200 Newton per meter is placed vertically on a table। यहां बात की जा रही है कि एक ये टेबल है और इस टेबल पर एक इस तरह से स्प्रिंग है, ठीक है, जो कि सीधी ऐसी ऊपर रख दी है। इसके डेटा दिए हैं, लेंथ ऑफ स्प्रिंग यानी स्प्रिंग की लंबाई दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, और इसका जो स्प्रिंग नियतांक है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो दिया है 200 न्यूटन पर मीटर। ये डेटा दे रखे हैं, ठीक है। फिर वो कहता है, आगे लिखो, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, एक छोटा सा मास है 1 kg का, फॉल्स ऑन इट, इस पर गिरता है, फॉल्स ऑन इट From height h, from the surface, capital H, from the surface of the table, where the ball will have the maximum velocity,
where the ball will have the maximum velocity. Okay? चलिए करते हैं अब इस क्वेश्चन को, पहले समझ लो एक बार और. ये हमारे पास एक स्प्रिंग ऐसे एक टेबल की सरफेस पर ऐसी वर्टिकली ऊपर रखी है, ऊर्ध्वाधर हिंदी में कहते हैं ऊपर रखी है, और इसकी खुद की लंबाई है L, और वो कहता है कि एच हाइट से इसको हम नीचे गिरा रहे हैं एक बॉल को जिसका मास कितना है 1 kg है. और पूछा गया है कि बताइए जब ये नीचे कंप्रेस होगी है ना, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी कितनी होगी और मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी ये पूछा है. चलिए को करिए जरा, ग्राउंड से यानी टेबल से कितनी हाइट पर होगी या ऊपर से कितनी हाइट कितनी डेप्थ पर होगी ये बताना है, नीचे कितना होगा ये बताना है. करो कोशिश. वन केजी का ब्लॉक है. बोलो या इसको ऐसा समझ लो बताओ, एम मास का ब्लॉक था, एच हाइट से गिरा रहे थे, लंबाई एल थी, ठीक है, ऊपर से नीचे दबा, तो कितना नीचे दबेगा अगर ये गिरेगा ब्लॉक, तो क्या होगा, जैसे एक बॉडी को ऊपर से अपन गिरा रहे हैं और गिरा रहे हैं तो शुरुआत में उसकी स्पीड कितनी थी 0, अब उसकी स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते मान लो मैक्सिमम हो गई, मैक्सिमम के बाद और नहीं बढ़ रही, तो और नहीं बढ़ रही ना कम हो रही, तो इसका मतलब क्या है कि उस पर नेट फोर्स क्या हो गया है 0 हो गया है, तभी तो उसकी वेलोसिटी में अब कोई चेंज नहीं आ रहा. तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हम दिमाग में लाएंगे कि अगर किसी हाइट से एक बॉडी को गिराया जाए तो ऊपर से जब नीचे गिरेगी तो शुरुआत में तो उसकी स्पीड 0 थी, ड्रॉप कर रही थी, ड्रॉपिंग का केस हो गया, अब वो नीचे गिरी तो उसकी स्पीड बढ़ रही है यानी वेलोसिटी बढ़ रही है नीचे की दिशा में, और बढ़ते 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 जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, ठीक है, अब उसके बाद नेट फोर्स 0 हो गया, इसलिए अब जो बढ़ रही थी उसी बढ़ी हुई वेलोसिटी से वो नीचे गिरेगी. अब आप कह सकते हो कंटिन्यूसली क्यों नहीं बढ़ रही, इसलिए नहीं बढ़ रही अगर हम इसको किसी अर्थ की सरफेस से एच हाइट से फेंकेंगे तो कंटिन्यूसली बढ़ेगी ग्राउंड की तक, है ना, क्योंकि उसको कोई रोकने वाला नहीं है, ऊपर कोई लगाने वाला फोर्स नहीं है. लेकिन यहाँ जैसे ही वो स्प्रिंग से टकराती है, स्प्रिंग खुद मास लेस है लेकिन वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है, वेट उसका नीचे, उसका जो भार है नीचे की तरफ लग रहा है और स्प्रिंग ऊपर एक बल फोर्स लगाने लगेगी, तो जैसे ही दोनों बराबर हो जाएंगे यानी उसका वेट नीचे और ऊपर स्प्रिंग फोर्स, तो नेट फोर्स 0 हो गया. अब जब नेट फोर्स 0 हो गया तो उसी जितनी नेट फोर्स 0 होने पर जितनी वेलोसिटी हो चुकी होगी वही तो उसकी मैक्सिमम है, उसी से वो नीचे आएगा. तो हमें ऐसा करना है इस क्वेश्चन में, इस एच का तो कोई मतलब नहीं है, हम तो ये कहेंगे कि जब ये नीचे गिर रहा है तो हम ये कह सकते हैं एट मैक्सिमम वेलोसिटी अधिकतम वेग पर. मैं आज थोड़ी सी हिंदी भी इसकी करूँगा ट्रांसलेशन, क्योंकि आज ये कंबाइंड क्लास है, क्योंकि सेम क्लास मुझे. यस, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी बोलो, मैक्सिमम वेलोसिटी पर, एट मैक्सिमम वेलोसिटी अधिकतम वेग पर क्या होगा, कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, परिणामी बल क्या होना चाहिए,
नेट फोर्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो का मतलब है कि इसका जो वेट है वो भार है इसका ये किसके बराबर है, इसके ऊपर लगने वाला स्प्रिंग फोर्स के बराबर होना चाहिए। और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड केवल के एक्स, वैसे माइनस के एक्स होता है, परिमाण केवल के एक्स। एम कितना दिया हुआ आपको, 1 kg, जी 10 हो गया, के है आपके पास 200 न्यूटन पर मीटर। और यहां पर एक्स निकाल लिया जाए तो एक्स इक्वल टू 1/20 मीटर आता है। इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5 cm आ जाएगा, 100/20 करेंगे तो, ठीक है। तो 5 cm यानी ऊपर से 5 cm नीचे मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। तो नीचे से कितनी होगी, 15 cm पर सिंपल, ठीक है। तो ये फ्रॉम एबव, और नीचे से फ्रॉम टेबल से कितनी होगी, 15 cm। क्लियर हुआ बात, ठीक है। क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन अगर आपको थोड़ा सा सोच नहीं पा रहे तो फिर ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप फिर h का वैल्यू देखने लगेंगे कि h हाइट से किसको गिरा रहे हैं तो h का क्या यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ बड़ा छोटा सा पॉइंट है कि जब ये नीचे गिरती है तो शुरुआत में इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग शून्य था गिराते समय, अब जैसे जैसे नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, टकराते समय भी बढ़ेगी। टकराने के बाद क्या होगा कि mg पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे कंप्रेस होगी, जैसे जैसे ये स्प्रिंग नीचे दबेगी, वैसे वैसे ऊपर लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स के, और कायदे से माइनस एक्स के, ठीक है। तो ऊपर की डायरेक्शन में जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो एफ भी बढ़ेगा, और एफ बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब वो एफ बढ़ते बढ़ते स्प्रिंग फोर्स बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाएगा, उसके वेट के बराबर हो जाएगा, उसके भार के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही भार के यानी वेट के बराबर हुआ, बस वहीं मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई, खत्म। तो यही कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है ना। ओके, लिख लो इसको, नया एक और करते हैं। एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग व्हेन स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज मैक्सिमम। इस चित्र में अधिकतम संपीड़न ज्ञात करें जब ब्लॉक का वेग अधिकतम, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, ये यहां पर कोई एम मास की बॉडी है और इधर से एक स्प्रिंग हमने ऐसी कर दी है, ठीक है, लटका दी है, ये इधर रख दी है, या स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ये इनिशियली प्रारंभ में इसका वेग जीरो था, इनिशियली इसकी स्पीड जीरो है, छोड़ दिया तो ये नीचे गिरेगी, गिरते गिरते इसमें भी जब मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाए, सब कुछ फ्रिक्शन लेस है, तो बताना है कि इस स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन कितना होगा, ठीक है। चलो कर सकते हैं इसको, तो अब मैंने जैसे बता दिया था ये क्वेश्चन, क्या तरीका अपनाएंगे, क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, सेम कॉन्सेप्ट कि जब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तब क्या होगा, इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब आपको फोर्सेस को बैलेंस करना है। तो फोर्सेस को बैलेंस कैसे करेंगे, ये नीचे कंप्रेस हुआ तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगा, इस डायरेक्शन में लगेगा स्प्रिंग फोर्स, जिसको मैं एफ एस बोल देता हूं, स्प्रिंग फोर्स है, और इस डायरेक्शन में कोई एक फोर्स लगेगा इस ब्लॉक पर जो कि इसको कंप्रेस कर रहा है। कौन कर रहा है, तो पहले देख लेते हैं, इसका वेट का कोई कंपोनेंट कर रहा होगा, एम जी ये वेट है, ये थीटा है, इधर भी थीटा है, तो एम जी के कंपोनेंट करो, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, इधर कौन सा होगा एम जी साइन थीटा, इधर नॉर्मल रिएक्शन आर, आर तो एम जी कॉस थीटा से बैलेंस। ये जो एम जी साइन थीटा है इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, ये तो चेंज हो नहीं रही, तो ये नीचे गिरेगा, एम जी साइन थीटा इसको नीचे फिसलाएगा,
तो जैसे ही टकराएगा तो एम जी साइन थीटा से ये स्प्रिंग दबेगी, तो स्प्रिंग फोर्स इसके विपरीत इधर लगने लगेगा, और जैसे ही एम जी साइन थीटा की वैल्यू इधर स्प्रिंग कांस्टेंट जो के है उससे जो फोर्स बना इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स उसके बराबर हुआ तो तुरंत ही उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहां भी हमें यही करना है कि एट मैक्सिमम वेलोसिटी अधिकतम वेग पर, एट मैक्सिमम वेलोसिटी नेट फोर्स यानी परिणामी बल नेट फोर्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। अच्छा, नेट फोर्स कौन सा है? एक तो एम जी साइन थीटा, ये किसके बराबर होगा? इधर स्प्रिंग फोर्स के Fs, और वो Fs है क्या है? Kx, सिंपल। तो हमारे पास इसमें जो कंप्रेशन हुआ वो कितना आ गया, x इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइड बाय कितना के, यही आंसर है। अगर ये एंगल आपको यहां से दिया हो, वर्टिकल से ऊर्ध्वाधर से यहां से कोण दिया हो, एंगल दिया हो, तो फिर एम जी कॉस थीटा आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, कभी कभी बदल देते। स्प्रिंग से ही संबंधित एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक यहां पर ऐसे रिजिड सपोर्ट है, दृढ़ आधार है, और यहां एक रॉड है ऐसी, ये टेबल हो गई। इससे एक यहां पर ऐसी स्प्रिंग बांधी गई है और स्प्रिंग से एक रिंग बांधी है, इस रॉड में फंसी है, और रिंग इस रॉड पर ऊपर नीचे घूम सकती है, ऊपर नीचे स्लाइड हो सकती है, ठीक है। रिंग का मास मान लेते हैं, द्रव्यमान मान लेते हैं हम, और ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है 4 मीटर है, और रिंग पहले 3 मीटर पर थी। क्वेश्चन है, ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग्स नेचुरल लेंथ यानी इसकी सामान्य लंबाई, नेचुरल लेंथ, सामान्य लंबाई जो है वो 4 मीटर है। ठीक है, स्प्रिंग को और ये रिंग है, इसको छोड़ दिया तो स्प्रिंग इसको इधर खींचेगी तो ये रिंग नीचे आने लगेगी नीचे। तो जब ये स्प्रिंग ऐसी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी यानी ठीक ग्राउंड से टकरा जाएगी, तो उस समय इस रिंग की वेलोसिटी क्या है, ये पूछा है। व्हेन स्प्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल, हिंदी में भी आपको बोल देता हूं, जब स्प्रिंग क्षैतिज हो जाए फाइंड वेलोसिटी ऑफ रिंग, तो उस समय उस बलय की, उस रिंग का वेग क्या है, उस रिंग की वेलोसिटी या वेग क्या है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं, आप लोग कर सकते हो तो जल्दी से आंसर बताओ। देखिए मैं आपको बताता हूं, जब कहीं भी किसी सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना लगे, असंरक्षी बल ना लगे, जैसे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा हो, विस्कस फोर्स नहीं लग रहा हो, तो सीधे सीधे सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होती है,
फाइनल टोटल एनर्जी, यही पढ़ा था हमने। तो यहाँ कोई भी ऐसा डैम्पिंग फोर्स यानी इसको गति को कम करने वाला फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम क्या ले सकते हैं, इसमें हम इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी ले सकते हैं। तो टोटल एनर्जी इनिशियल सबसे पहले, टोटल एनर्जी बाद में यानी फाइनल। तो अब टोटल एनर्जी में क्या आता है, टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी आती है और क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी आती है, ठीक है। यानी अब पोटेंशियल भी दो होती हैं, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग की भी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, ग्रेविटेशन भी और स्प्रिंग की भी पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ध्यान रखना, वर्क डन बाय स्प्रिंग वो नेगेटिव होता है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर लिया था, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग वो पॉजिटिव होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होती है वो, समझ में आई। यानी स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य तो नेगेटिव होता है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन स्प्रिंग के अंदर जो स्टोर्ड संचित ऊर्जा है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो ऊर्जा कौन सी होती है, जो बाहर से काम किया जाता है वो ऊर्जा। तो जब हम बाहर से काम करते हैं, बाहरी एजेंट के द्वारा वर्क करते हैं, तो बाहरी एजेंट उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। हम कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं स्प्रिंग को, तो क्या होगा, हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में तो दबी, हमने स्प्रिंग को खींचा तो जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में स्प्रिंग भी खींची, लेकिन स्प्रिंग फोर्स इसके अपोजिट होता है, इसलिए स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव और वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें तीन एनर्जी आएंगी फिर, काइनेटिक, पोटेंशियल, कौन सी, ग्रेविटेशन। तो पोटेंशियल को जी लिख देता हूं, ग्रेविटेशन प्लस पोटेंशियल किसकी, स्प्रिंग की, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग की भी, इक्वल टू फाइनल, ये हो गया इनिशियल की बात, फाइनली यही सब आएंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल प्लस पोटेंशियल, स्प्रिंग, ये फाइनली। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी है, ये जो स्प्रिंग है और ये जो आपके पास रिंग है वो मूव कर रहे हैं क्या इनिशियली, इनिशियली तो जीरो है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताओ, ग्रेविटेशन वाली, ग्रेविटेशन वाली हो सकती है क्योंकि रिंग का मास है, एम ऊपर है और 3 मीटर ऊपर है, वो ग्राउंड से कितने मीटर ऊपर है, 3 मीटर, तो एम जी एच हो जाएगी, तो एम एम जी एच कितना, 3 मीटर, ठीक है। स्प्रिंग के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है इनिशियली, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो बता सकते हो एक्स कितना है, हाफ के एक्स स्क्वायर। के की वैल्यू मैं बोल देता हूं, के की वैल्यू यहां पर है 400 न्यूटन पर मीटर, बता देता हूं, के की वैल्यू है 400 न्यूटन पर मीटर और नेचुरल लेंथ इसकी थी 4 मीटर। तो बता सकते हैं हाफ के एक्स कितना आएगा, कितना इसमें एक्सटेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन तो होगा नहीं, खिंच रही है तो खिंचाव होगा। तो देखो नेचुरल लेंथ कितनी है, ध्यान दो, 4 मीटर कितनी है जरा बताओ, नेचुरल लेंथ है ये 4 मीटर, ठीक है, कितनी खिंची हुई है, ये 4 है ये 3 है, तो ये कितना हुआ, 5 मीटर नहीं हुआ, ये पाइथागोरस थ्योरम से नेचुरल 4 थी, 5 मीटर खिंची हुई है, मतलब कितना एक्सटेंशन हुआ, कितना प्रसार हुआ, 1 मीटर का, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1, ये बात समझ आई। तो एक्स बराबर यहां होगा जो 5 - 4 1 मीटर, क्लियर हुआ, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब फाइनली आ जाओ, जब ये रिंग नीचे आ गई तो नीचे जब ग्राउंड से टकराई उस समय तो इसकी वेलोसिटी है, वही वेलोसिटी तो निकालनी है, तो वो कितनी मानोगे आप, हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल जीरो हो गई ग्राउंड पर आ गई तो, उसी लेवल पर आ गई तो। अच्छा स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बताओ,
अब जब ये नीचे आ गई यहां पर, तो 4 मीटर की नेचुरल लंबाई थी और 4 ही रह गई है, तो इसका मतलब उसमें कहीं एक्सटेंशन है ही नहीं है, ना कंप्रेशन है, तो स्प्रिंग के अंदर ना खिंचाव है ना उसका दबाव है, इसका मतलब उसके अंदर कोई एनर्जी अब भरी नहीं है, तो इसलिए स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, 0 होगी। ये बात क्लियर हुई? इसी को थोड़ा हल कर लें और आप वी निकाल लें। देखो, यहां पर एम जी इंटू 3 प्लस 1/2 के कितना था, 400 इंटू 1 इक्वल टू 1/2 mv2, यही चल रहा था। ठीक है, स्प्रिंग का ये जो बलय है इसका भी मास क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहां लिख लो मास ऑफ रिंग इक्वल टू है 10 kg की है, अच्छी खासी ये बलय है, तो यहां 10 लिख देता हूं इंटू जी की वैल्यू 10 × 3 प्लस ये हो गया 200 इक्वल टू 10/2 5 v2, करो सॉल्व, 550 5 और 10 आ गया, v इक्वल टू ये आ रहा है ना, v इक्वल टू 10 m/s। ठीक है, ऐसे करें, क्लियर हो गया? तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण, कब, जब कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं लग रहा हो, घर्षण वगैरह नहीं लग रहा हो, तो आसानी से कंजर्वेशन लगा लो। इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। ठीक है ना, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन ऐसा ही। कॉपी कर लिया सभी ने? क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द रिंग व्हेन स्प्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द रिंग व्हेन स्प्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल, यानी बलय का वेग ज्ञात करें, जब बलय क्षैतिज हो जाए, तो इसमें वही सिचुएशन, वही डायग्राम दिया हुआ है, बस करना आपको है। ये स्प्रिंग है, ये रिंग है, और स्प्रिंग का कांस्टेंट 4 mg/r दिया है, के इक्वल टू 4 mg/r ये दिया हुआ है, नेचुरल लेंथ 2r दी है, नेचुरल लेंथ 2r और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी ये 2r है, ऊपर ये 3/2r पर थी, यहां से 3/2r पर है ये। ठीक है, ये पूरी सिचुएशन दे रखी है और सरफेस स्मूथ है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, घर्षण नहीं है, वेग ज्ञात करना है, वेलोसिटी निकालनी है, जब ये क्षैतिज हो जाए वेलोसिटी फाइंड करनी है, करो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, करिए।
यस आ गया सबका, बोलो कितना आया? देखो कितना आसान है। सबसे पहले यह तो पता चल ही गया कि इसमें कहीं कोई क्या नहीं लगना, कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो इनिशियल टोटल एनर्जी की बात करें, इनिशियली क्या क्या एनर्जी होंगी आप डायरेक्ट लिखते हैं, वो तो समझाने के लिए मैंने हर स्टेप लिखता हूं, लेकिन आप करें तो कुछ स्टेप्स गायब कर सकते हैं। पहले बोलो इनिशियली टोटल एनर्जी कितनी है, पहले काइनेटिक के बारे में बात करेंगे तो ये तो रेस्ट में है तो जीरो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करेंगे तो एम जी एच, एच कितना 3/2 R, ठीक बात है, प्लस स्प्रिंग की बात करेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर, तो के कितना, के है 4mg/R इंटू एक्स, एक्स कितना जरा हिसाब लगा लो, एक्स बराबर ये लेंथ कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 3/2 R और 2R से ये लेंथ निकाल लो, चलो स्मॉल r मान लेता हूँ, वो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी, 2R का स्क्वायर यानी 4R² प्लस इधर बताओ 3/2 R का होल स्क्वायर यानी 9² / 4, ऐसे कुछ आ रहा है, तो ये आ गया है आपके पास 14+9 25R² / 4, एलसीएम ले लिया मतलब इसमें रूट ले लिया तो 5/2 R आ गया, आ गया। तो यहाँ पर 5/2 R तो ये लेंथ है जो स्ट्रेच्ड लेंथ है, और नेचुरल कितनी थी 2R, तो एक्सटेंशन क्या होगा 5/2 R - 2R, तो R/2, ठीक है, R/2 का एक्सटेंशन हुआ तो R/2 का होल स्क्वायर हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर। अब आ जाओ फाइनली यहां पर, फाइनली काइनेटिक एनर्जी रहेगी हाफ mv² प्लस यहां आ गई तो ग्रेविटेशनल भी जीरो, स्प्रिंग नेचुरल हो गई तो ये भी जीरो, ठीक है, इन सभी से आप m/2 लेके कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये आ रहा है 3mgr/2, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, 2 से ये उड़ा दूं, ठीक है, 2 × 2 = 4 और ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा तो 1/2 बचेगा, mgr² से 1 R कट जाएगा mgr, ये आ रहा है कि जरा चेक करो, = 1/2 mv², ये ठीक है, ये सही था, 2mg और 1 R कट गया था, R आ गया, ये 4 था तो m/2 सबसे उड़ा दो, ये हो गया 3mgr और ये हो गया gr, कितने हो गए 4gr बराबर v², तो v बराबर कितना आया अंडर रूट में 2gr, 2gr का मतलब 2 बाहर ले लो, 4gr है स्क्वायर रूट लोगे तो 2 अंडर रूट gr, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड जो भी यूनिट हो, ठीक है, 4 का हो गया 2 रूट gr, क्लियर। तो अब मैंने स्प्रिंग के भी हर तरह के क्वेश्चन इसके करवा दिए जितने बन सकते हैं, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, और उसका इंट्रोडक्शन उसकी जितना हो जाए आज उतना करते हैं, और वो है कोलिजन। कोलिजन हिंदी में कहते हैं इसको संघट। एक क्वेश्चन इस पे से भी अच्छा खासा बनता है तो उसके कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये नोट कर लिया हो तो करो। मिटा दूं? चलो देखो,
कोलिजन या हिंदी में इसको संघट, टकराना ये कहते हैं, ठीक है। कोलिजन, कोलिजन का सिंपल मतलब होता है कोलाइड करना, टकराना। लेकिन फिजिक्स में जब अपन प्रैक्टिकली सोचते हैं कि टकराने का मतलब, कोलिजन का मतलब एक बॉडी को दूसरी बॉडी से टच करना चाहिए, तब जाके टकराना माना जाएगा। एक कार की सामने वाली कार से टक्कर लग गई, तभी तो टक्कर मानी जाएगी जब उसको टच कर दे पीछे से, है ना। और टच ही नहीं करी तो काहे की टक्कर। लेकिन फिजिक्स में टकराने के लिए दूसरी बॉडी के साथ टच करना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कोलिजन में फिजिक्स की, हम जब साइंस की बात करते हैं तो कोलिजन का मतलब एक का दूसरे के साथ टकराने का मतलब उसको टच करना नहीं है। उनके जो दो फोर्स होते हैं उनमें इंटरेक्शन है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट। एक न्यूक्लियस था, ध्यान आ रहा है, बोलो। ये नाभिक था, न्यूक्लियस जेडी, और एक अल्फा पार्टिकल जिस पर चार्ज प्लस का 2e था, उसको हम हाई वेलोसिटी से ला रहे थे इसके पास, ठीक है। वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो, और ये रेस्ट में है, अगर वेलोसिटी बहुत बहुत ज्यादा है तो हो सकता है टकरा जाए। लेकिन अगर वेलोसिटी ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये आएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण। तो ये अगर परमानेंट रेस्ट में है तो इसकी स्पीड धीमे धीमे कम होती जाएगी, कम होते 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 एक जगह आकर के ये फाइनली रुक जाएगा, ठीक है। और रुकने के बाद फिर ये धक्का देगा इसको इधर, तो ये इधर वापस चला जाएगा, यही हुआ था। और इस डिस्टेंस को हम क्या कहते थे, जहां पर रुक गया है, या इस न्यूक्लियस के सबसे पास जब वो पहुंच गया, तो इस डिस्टेंस को कहते थे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, न्यूनतम पहुंच दूरी। तो यहां पर ये टकराया क्या, यहां टच तो नहीं किया न्यूक्लियस को, फिर भी यहां पर कोलिजन माना जाएगा, फिर भी ये कोलिजन है, ये संघट है, ठीक है। तो पहली बात तो यही बेसिक पॉइंट होता है फिजिक्स में कि कोलिजन में यानी संघट में दो वस्तुओं का आपस में टच करना जरूरी नहीं है। टच कर जाए अच्छी बात है, ना करें तब भी कोलिजन माना जाएगा अगर उनके फोर्सेस के बीच में कोई इंटरेक्शन हो रहा है। फोर्सेस कौन सा, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स है, प्रतिकर्षी बल है, उसी के कारण तो क्या हो रहा है, यहां पर ये बिना टच के हुए ही बाहर आप वापस आ रहा है। या उनकी हम फोर्सेस के बीच में इंटरेक्शन की बात करते हैं तो उनकी फील्ड के बीच में इंटरेक्शन की बात करते हैं। फील्ड मतलब इसकी कौन सी फील्ड बनेगी चारों तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, पॉजिटिव चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र बनाएगा, इसकी भी फील्ड होगी, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड फील्ड के बीच में, सेम टाइप की फील्ड के बीच में इंटरेक्शन होता है तो सेम फोर्स बनता है। मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी तो मैग्नेटिक फोर्स बनेगा, ग्रेविटेशन फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा। पृथ्वी जो होती है, अर्थ, किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट कर लेती है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, क्योंकि अर्थ की पृथ्वी के आसपास क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, इस बॉडी की भी ग्रेविटेशनल फील्ड है अपनी, दोनों के फील्ड में इंटरेक्शन हुआ तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स बनता है, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। अब अपन बात करें एक एक करके, सबसे पहले डेफिनेशन की, ठीक है, परिभाषा क्या होती है कोलिजन की। तो सिंपल आप कह सकते हो क्या परिभाषा होती है, बताओ, टक्कर की परिभाषा क्या है, टकराने की परिभाषा क्या है, कि जब कभी भी ऐसी घटना घटे, ऐसी इवेंट हो जिसमें बहुत लार्ज इंपल्सिव फोर्स छोटे से समय अंतराल के लिए लगे, लार्ज इंपल्सिव फोर्स स्मॉल इंटरवल के लिए लगे, तो हम कहेंगे कि ये टक्कर है या संघट है या कोलिजन है। जैसे कार कार से टकराए तो एकदम झटके से टक्कर लगती है ना, यानी बहुत है ज़्यादा फोर्स कम टाइम के लिए लगा। एक पत्थर को हमने कहीं पर ऐसे फेंक दिया और वो किसी से टकरा गया,
तो वहाँ पर भी हमने बहुत हाई स्पीड से फेंका था, तो हाई इम्पल्सिव फोर्स बनाया था हमने उसमें, और जब वो टकराया तो एक छोटे से समय अंतराल के लिए टकराया। तो यही सिंपल सी डेफिनेशन है, बस इसमें करेक्शन ये है कि टकराने के लिए फिजिक्स में उसको टच करना ज़रूरी नहीं है। टच हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो तब भी टक्कर ही है, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन लिख लें, थोड़ी छोटी सी लिखो। कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट, हिंदी में भी मैं इसको बोलूंगा, कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट, संघट एक ऐसी, विलगित, आइसोलेटेड है ना, विलगित, आइसोलेटेड मतलब जिसका संबंध और किसी से ना हो, एक ऐसी विलगित घटना है। कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच वेरी लार्ज इंपल्सिव फोर्स, इन विच वेरी लार्ज इंपल्सिव फोर्स एक्ट्स फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जिसमें बहुत अधिक बल बहुत कम समय के लिए लगता है, अधिक बल बहुत कम समय के लिए लगता है। तो ये हुआ कोलिजन, और कोलिजन के कितने टाइप हैं उनको अपन देखें। एक होता है इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। एक होता है इलास्टिक कोलिजन, जिसको हिंदी में प्रत्यास्थ संघट कहते हैं, और एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन, इसको हिंदी में अप्रत्यास्थ संघट कहते हैं, अप्रत्यास्थ, ठीक है। क्या अंतर है दोनों में? दो टक्कर हो रही हैं, लेकिन एक इलास्टिक टक्कर है और एक इनइलास्टिक टक्कर है। दोनों में अंतर यह है, एक छोटा सा अंतर है, इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहती है, किसमें? इलास्टिक में। और इन इलास्टिक में बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती। तो काइनेटिक एनर्जी यहां कंजर्व रहती है, कंजर्व यानी सेम, कब? बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है, यानी संघट के पहले और संघट के बाद गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, संघट के पहले व बाद में गतिज ऊर्जा सेम रहती है, ठीक है। अप्रत्यास्थ में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज नॉट सेम, नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती, नॉट कंजर्व्ड, कब? बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, ठीक है। बस यही है, दोनों में अंतर जानना, यही डिफरेंस है। कैसे पहचानेंगे गतिज, कैसे पहचानेंगे इनइलास्टिक है इलास्टिक है? तो काइनेटिक एनर्जी देख लो, काइनेटिक एनर्जी हर समय कांस्टेंट है, इसका मतलब ये इलास्टिक है। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो इनइलास्टिक है, सिंपल है। लेकिन किसी भी टाइप का कोलिजन हो, फिजिक्स में लीनियर मोमेंटम सभी में कंजर्व होगा, ठीक।
ठीक है। तो जब इलास्टिक कोलिजन या इनलास्टिक कोलिजन कोलिजन का क्वेश्चन आ जाए तो समझ लो हमें कहीं ना कहीं इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं नोट, बट लीनियर मोमेंटम, बट लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन कोलिजन, ठीक है। परंतु संघट में रेखीय संवेग हमेशा संरक्षित होगा, ठीक है। लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व होगा, मतलब इनिशियल लीनियर मोमेंटम बराबर फाइनल लीनियर मोमेंटम, ये सिंपल सी इसमें बात होगी। तो ये थोड़ा सा मैंने ब्रीफ आइडिया आपको दिया है, मतलब थोड़ा सा संक्षिप्त में अभी मैंने ये बताया है, जैसे कि आपको आइडिया लगे कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। अभी तो जस्ट ये शुरुआत हुआ है, ठीक है। अब एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन के बारे में बहुत डिटेल में समझेंगे, फिर इनलास्टिक कोलिजन के बारे में डिटेल में समझेंगे, फिर इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे उनकी बात करेंगे। तो ये नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े, और ये सारी जो मैं बता रहा हूं इसके डिटेल में आपको नोट्स में भी आपके पास है। तो अगला अपन स्टार्ट करते हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन इसको कहते हैं हम प्रत्यास्थ संघट, इलास्टिक कोलिजन प्रत्यास्थ संघट। इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या मैंने अभी बताया था आपको, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, दोनों कंजर्व होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, कौन कौन से कंजर्व होगा, इलास्टिक में लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। तो हमें कह सकते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, नंबर वन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, सेकंड काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड, ठीक है। अब इलास्टिक कोलिजन में भी दो प्रकार के कंजर्व होते हैं, दो प्रकार के कोलिजन होते हैं। एक होता है वन डायमेंशनल कोलिजन, जिसको हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं, और एक होता है टू डायमेंशनल कोलिजन। जैसे एक कार रोड पर चल रही है, ठीक है, उसके बिल्कुल सीधी लाइन पर चल रही है, उसके पीछे से एक कार आती है, टकरा जाती है, टकराने के बाद भी वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करें, टकराने के बाद सेम डायरेक्शन में चलती रहे, तो ये कोलिजन कौन सा हुआ, ये वन डायमेंशनल कोलिजन हुआ, या जिसको हम कहेंगे हेड ऑन कोलिजन हुआ, सम्मुख संघट, या एक विमीय संघट, या हेड ऑन का मतलब होता है सामने से संघट, सम्मुख संघट, हेड ऑन कोलिजन। तो यहां पर हम सबसे पहले इन्हीं की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वन डायमेंशनल कोलिजन, एक विमीय संघट, एक विमीय संघट, और ये प्रत्यास्थ होगा, ध्यान देना, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट की बात कर रहे हैं, एक विमीय प्रत्यास्थ, यानी कि वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। इसी को हम हेड ऑन कोलिजन भी बोल सकते हैं, या हिंदी में कहते हैं सम्मुख, सम्मुख संघट। स्ट्रेट लाइन पर रहे, हालांकि टकराने के बाद आपस में पलट जाए वो अलग बात है, लेकिन वो लाइन को ना छोड़े,
देखो ऐसा हो सकता है एक कार आगे चल रही है, पीछे से आगे उसको ठोक दे तो डायरेक्शन सेम है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एक सामने से कार आ रही है, एक इधर से कार आ रही है, टकराएं, टकराने के बाद इधर उधर ना भागें, टकराने के बाद आदर्श रूप से आइडियली वो पलट जाए, मतलब ये इधर जा रही थी तो इधर चली जाए, वो इधर जा रही थी उधर चली जाए, लेकिन वो लाइन नहीं छोड़ी, तब भी ये क्या होगा, वन डायमेंशन या हेड ऑन कोलिजन होगा। अब इसको हम इसमें क्या क्या अपने को समझना है इसकी पूरी कहानी अपन देखते हैं। मान लो मेरे पास एक टेबल पर दो बॉल हैं, एक बॉल है जिसका मास है एम वन और ये यू वन स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रही है, ये इसकी चलने की डायरेक्शन है, तो पहले ही बना देता हूँ मैं चलने की डायरेक्शन, इधर से एक डॉटेड लाइन से बना देता हूँ, ठीक है। देखो ये मान लो चलने की डायरेक्शन है, ये थोड़ी डार्क लाइन बन गई है, तो इसको हम ये लाइन ले लेते हैं, ये हमारी चलने की डायरेक्शन है, राइट। तो इसी पर एक सामने एक और M2 मास था जो U2 वेलोसिटी से चल रहा था। ध्यान से समझिए, एक टेबल है, सब कुछ फ्रिक्शन लेस है, M1 मास का एक बॉल है वो U1 स्पीड से चल रही है, M2 मास की बॉल एक U2 स्पीड से चल रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। यहां पर जो U2 है, यहां पर जो U1 है, U1 U2 से ज्यादा है, U1 U2 से ज्यादा है, तो ज्यादा है तो क्या होगा, तभी तो टकराएगा, U2 ज्यादा हो तो टकराएगा ही नहीं, आगे वाली कार चल रही है उसकी स्पीड ज्यादा है, पीछे वाले की कम है तो कभी नहीं टकराएंगे, पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो टक्कर होगी। तो ये बिफोर कोलिजन की कहानी हुई, ये हुआ बिफोर कोलिजन, अभी टक्कर नहीं हुई है, टक्कर के पहले, संघट्ट के पहले, अब संघट्ट के बाद ये जो M1 है इससे टकराया, ऐसे ये दोनों टकरा गए, टकराने के बाद अलग अलग हुए, अलग अलग हुए तो क्या हुआ, M1 की स्पीड बदल गई, वो हो गई V1, और M2 की स्पीड भी बदल गई, वो हो गई V2, लेकिन डायरेक्शन नहीं छोड़ी अभी उन्होंने, दिशाएं वही हैं, केवल क्या हुआ, टक्कर के बाद उनकी स्पीड बदल गई और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बिफोर कोलिजन, ये कहानी हो गई, आफ्टर कोलिजन यानी संघट के बाद, और ये बीच में ये ड्यूरिंग कोलिजन। तो अब हम इसमें एक एक करके कॉन्सेप्ट देखें और फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है। आपको पूरा डेरिवेशन देखना है, मैं चाहूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा सकता हूं, लेकिन पूरा डेरिवेशन देखो, बीच बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या कंजर्व करेंगे इसमें, सबसे पहले कर लो मोमेंटम, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, तो सबसे पहले बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी रेखीय संवेग संरक्षण से, रेखीय संवेग संरक्षण से, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, संघट के पहले संवेग बराबर संघट के बाद संवेग। तो संघट के पहले संवेग कौन सा होगा, इस M1 का संवेग वो कितना होगा, M1 U1 मास इनटू वेलोसिटी होता है, इसका क्या होगा प्लस M2 U2 होगा, बराबर इसका क्या होगा फाइनल फाइनल मोमेंटम M1 V1 प्लस M2 V2। मेरे ख्याल से इस इक्वेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब M1 M1 एक तरफ कर लो और M2 M2 एक तरफ कर लो, तो ये हो गया M1, इसको इधर लाएंगे तो M1 कॉमन ले लेना, U1 माइनस V1 हो जाएगा, इसको पीछे पहुंचा दो, M2 कॉमन ले लो तो ये V2 माइनस U2 हो जाएगा, और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं, ठीक है।
अब यहां पर देखेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा संरक्षण से, गतिज ऊर्जा संरक्षण काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, यानी संघट के पहले गतिज ऊर्जा और संघट के बाद में गतिज ऊर्जा बराबर होगी। संघट के पहले गतिज ऊर्जा कितनी होगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वन यू वन स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम टू यू टू स्क्वायर, बराबर इसकी बोलो हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो वन बाई टू सभी में कट ही रहे। इसमें भी एम वन एक तरफ कर लो और एम टू एक तरफ कर लो, तो इसको थोड़ा सा इधर खिसका देता हूं। यस, अब एक काम करें, M1 M1 एक तरफ ले रहा हूं, M1 कॉमन भी ले लूंगा साथ में, U1 स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा माइनस का V1 स्क्वायर इक्वल टू, इधर M2 कॉमन ले लूंगा, V2 स्क्वायर माइनस क्या रह जाएगा U2 स्क्वायर, ठीक है, यही आ रहा है, यही आ रहा है, बताइए और क्या कर सकते हो? इसको सेकेंड इक्वेशन मान के छोड़ दो। देखो सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दो, इससे अच्छा होगा, M1 कट ही जाएंगे ये, तो सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट, M1 कटा, ये रहा, इसको थोड़ा सा चूंकि V1 U1 था तो इसको भी V1 U1 में जैसे ही बना लो, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लो क्योंकि पलटना पड़ेगा मुझे इसको, चलो इसको मैं यहाँ से करता हूँ क्योंकि कैंसिल करने में आसानी होगी। ये जैसे अपन ने लिया था ये U1 है ना, और इधर भी U1 ही ले लो, मेरे ख्याल से वही लिखा था हमने, क्या लिखा था, अब तो मिट गया होगा, M1 ब्रैकेट U1 ही लिखा था ना, फिर तो ठीक है, U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये बनाना थोड़ा ठीक ठाक, अदर U और V नहीं तो एक जैसे लगेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। M2 ब्रैकेट क्या था, V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन यही था मेरे ख्याल से। चलो अब इनको डिवाइड कर देता हूँ, सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो M1 तो कट जाएंगे, इधर आप देखना U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, U1 माइनस V1 इंटू U1 प्लस V1, बोलो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला, डिवाइड बाय क्या है U1 माइनस V1, इधर आ जाओ, इधर V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर को मैं क्या लिख लूं, V2 माइनस U2 ब्रैकेट V2 प्लस U2 होल डिवाइड बाय V2 माइनस U2, ये इसमें कैंसिल हो गया, ये इसमें कैंसिल हो गया, हमारे पास एक ये बन गया U1 प्लस V1 इक्वल टू कितना V2 ये U2 होगा, यहां पर ये U2 है, ठीक है, तो बराबर क्या आ गया V2 प्लस U2, यही मिल रहा है। और थोड़ा सा चेंज कर लो, U1 इसको इधर ले लो माइनस का U2 बराबर V2 माइनस V1, ये इक्वेशन मेरे काम की है। थर्ड U1 माइनस U2 और इक्वल टू V2 माइनस V1, ये जो U1 माइनस U2 देख रहे हो ये क्या है, अगर इस चित्र में देखो, इस डायग्राम में देखो U1 माइनस U2
बड़े में से छोटी स्पीड कम कर दी, घटा दी। ये एक्चुअली ये जो वेलोसिटी है u1 माइनस v2 टोटल वेलोसिटी देखें, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। कब? जब ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। पास कैसे आ रहे हैं? इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो टक्कर करने के लिए क्या होगा? दोनों की बीच में डिस्टेंस कम होनी चाहिए। तो अभी ये पास में आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। u1 माइनस u2 को क्या बोलेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी पास आने का सापेक्ष वेग। बराबर क्या है? अब होता क्या है, टक्कर के बाद कहानी क्या होती है, जो कम स्पीड से चल रही होती है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जो ज्यादा स्पीड से टक्कर देती है उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो अब उल्टा हो जाएगा। पहले u1 हाई स्पीड से चल रही थी, u2 की स्पीड कम है, तो टक्कर के बाद ये जो u1 जो ज्यादा थी वो कम हो जाएगी, यानी अब v1 हो जाएगी, और जो कम थी u2 वो बढ़ जाएगी v2। तो अब v1 और v2 में कौन ज्यादा होगा? v2 ज्यादा होगा, v1 कम होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए v2 माइनस v1 किया। तो अब v2 माइनस v1 में आगे वाली की स्पीड क्या हो गई? ज्यादा। पीछे वाली की स्पीड कम। तो दोनों के बीच में अप्रोच होगी या सेपरेशन होगा? अब सेपरेशन होगा, यानी अब दोनों की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। पहले कम होगी, टक्कर के बाद बढ़ेगी, ये ध्यान देना। तो जब टक्कर के बाद बढ़ेगी तो इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी दूर जाने की सापेक्ष चाल। पहले पास आने की सापेक्ष चाल, और ये v2 माइनस v1 क्या हो गया? दूर जाने की सापेक्ष चाल। क्लियर हो गया? तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, ये साथ साथ आप कॉपी कर रहे होंगे। ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी पास आने की सापेक्ष चाल। और ये कौन सी है बोलो? ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दूर जाने की सापेक्ष चाल। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख रहे हो तीसरे नंबर के इक्वेशन में, कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर है। तो मतलब इलास्टिक कोलिजन में ये दोनों बराबर होती हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। पास आने की सापेक्ष चाल और दूर जाने की सापेक्ष चाल प्रत्यास्थ संघट्ट में बराबर होती है। कई जगह बराबर नहीं होती तो फिर वो प्रत्यास्थ नहीं रहेगा। तो ये जो v2 माइनस v1 है, इसमें भाग दे दें, डिवाइड कर दें u1 माइनस u2 का, तो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, इस रेशो को कहते हैं कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 को कहते हैं स्मॉल e, और इसको कहते हैं अंग्रेजी में कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। हिंदी में इसी को कहते हैं, एक तो कहते हैं क्षतिपूर्ति गुणांक, एक नाम और है निष्कृति अनुपात। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है, ई की वैल्यू जो है वो एक्चुअली 0 से ज्यादा होती है और 1 से छोटी या बराबर हो सकती है, और 0 के बराबर या उससे ज्यादा हो सकती है। तो मैं कह सकता हूं, यहां पर लिख दूं क्या आगे, 0
ग्रेटर देन इक्वल टू ई, लेस देन इक्वल टू वन। ई की जो रेंज होती है ना वो ये होती है, जीरो से ज़्यादा या बराबर, या एक से कम या बराबर। अगर ई बराबर वन है, जैसा कि यहाँ है, यू वन माइनस यू टू बराबर वी टू माइनस वी वन है, इक्वल टू वन है, तो इसका मतलब ई को देख करके क्वेश्चन में कहीं ई इक्वल टू वन लिखा हो तो ई की वैल्यू देख करके हम पता कर सकते हैं कि जो कॉलिजन है, संगठन है, वो किस प्रकार का है। तो ई इक्वल टू वन है तो कॉलिजन इलास्टिक होगा, ई इक्वल टू वन फॉर इलास्टिक, इलास्टिक कॉलिजन। प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए E बराबर 1 होगा, प्रत्यास्थ के लिए हमेशा E बराबर 1 ही होगा। आगे देखेंगे हम अप्रत्यास्थ के लिए, इनइलास्टिक के लिए, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए E 0 होता है, बाकी के इनइलास्टिक में E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में वैरी करती है। तो आपने ये देख लिया थर्ड नंबर का इक्वेशन, और ये है फर्स्ट नंबर का, ये निकाला था हमने फर्स्ट नंबर का ये वाला, तो ये दोनों हमारे अभी फिलहाल काम के हैं, ये फर्स्ट नंबर का और ये थर्ड नंबर का। फर्स्ट और थर्ड की हेल्प से हम फाइनल वेलोसिटीज फाइंड करेंगे, यानी हमें निकालना है टक्कर के बाद इनकी वेलोसिटी v1 v2 कितनी हो जाएंगी, ये फाइंड करना है। तो ये नोट कर लिया तो आगे बढ़े हम, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहली इक्वेशन दी है ना, M1 ब्रैकेट में क्या था आपके पास, देखो M1 क्या था, M1 ब्रैकेट में U1 माइनस V1, M2 ब्रैकेट में V2 माइनस U2, ये लिख देते हैं। कहां गया है ये रहा, M1 U1 माइनस B1 बराबर M2, बोलो V2 माइनस U2। और एक हमारे पास अभी इक्वेशन आई थी, वो क्या आई थी, U1 माइनस U2 बराबर V2 माइनस U1, ये फर्स्ट आई थी और ये थर्ड आई थी। आप क्या करें, ये जो थर्ड है, थर्ड से V2 माइनस B1, B1 है ये, V2 माइनस V1, थर्ड से V2 की वैल्यू निकालो, कितनी आ गई, U1 माइनस U2 प्लस, ये कितनी आ जाएगी, एक्चुअली पेन थोड़ा स्लिप होता है तो U और V एक जैसे बन रहे हैं, V2 बराबर क्या आ गया, बोलो U1 माइनस U2 प्लस का V1, ठीक है। ये जो V2 है वो मैं इस इक्वेशन में रख सकता हूँ फर्स्ट में, तो फ्रॉम V2 इक्वल टू पुट इन वन, तो M1 ब्रैकेट U1 माइनस V1 लिखा रहने दो, इक्वल टू M2 ब्रैकेट V2 की वैल्यू पुट कर दो, ये U1 माइनस U2 प्लस का V1, माइनस का क्या आ रहा है U2, ठीक है, यही आ रहा है। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे और आप वैल्यू निकालो V1 की, मेरे ख्याल से निकाल लोगे, ठीक है, ये माइनस का U2 टू U2 हो जाएगा, M2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, M1 का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो फाइनल आंसर जो आता है M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, ये आता है, ये आपको याद रखना है, याद करना आसान है। अगर मैं V1 ले रहा हूं तो यहां U1 आएगा और डिफरेंस अपॉन सम, और किससे डिफरेंस करेंगे, V1 ले रहा हूं तो M1 से ही, तो दो चीजें वन वन है, ऐसे दिमाग में बिठा लो कुछ, V1 इक्वल टू M1 यहां आएगा और इधर U1 आएगा प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब सिमिलरली v2 निकाला जाए तो कितना आएगा, m1 m2 और u1 u2 की वैल्यू, जो वैल्यूज है वो इंटरचेंज कर दो, आपस में बदल दो, जैसे m1 माइनस m2
ये हो जाएगा m2 टू माइनस एम अपॉन, यहाँ तो वही रहेगा, प्लस में तो फर्क कोई पड़ता नहीं, u1 की जगह u2 प्लस, इधर क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया आपके पास v2। क्लियर हुआ कि नहीं? ये दोनों बिल्कुल दो की पहाड़ी की तरह याद कर लो, ठीक है ना। वी वन एम वन माइनस एम टू अपन एम वन प्लस एम टू यू वन प्लस टू एम टू यू टू अपन एम वन प्लस एम टू, वी टू एम टू माइनस एम वन अपन एम वन प्लस एम टू यू टू प्लस टू एम वन यू वन अपन एम वन प्लस एम टू। याद करना आसान है, अगर मैं वन ले रहा हूँ तो मन में बैठाओ कहाँ कहाँ वन है, यहाँ वन है। जब मैं वी टू ले रहा हूँ तो टू कहाँ कहाँ है, इधर है और इधर है, ठीक है। तो जब यहाँ वन वन आ गया तो यहाँ पर टू टू ही आएगा, टू एम टू यू टू, यहाँ टू एम वन यू वन। लिख लिया। अब हम कुछ इसके स्पेशल केसेस देखते हैं और बड़े ही इंटरेस्टिंग केसेस हैं। मिटा दूं इसको, कुछ विशेष स्थितियां, स्पेशल केसेस, कुछ विशेष स्थितियां। फर्स्ट, इफ m1 वन इक्वल टू एम टू, यदि m1 बराबर m2, इसका मतलब क्या हुआ कि एक रोड है, उस रोड पर दो कार चल रही हैं, अलग अलग स्पीड से चल रही हैं, पीछे वाली की स्पीड ज्यादा है आगे वाली की कम है, लेकिन दोनों ही सेम कंपनी की हैं, सेम मॉडल की है, मतलब दोनों का मास सेम है। तो जब पीछे वाली कार आगे वाली कार में टक्कर देगी तो टक्कर के बाद उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। मतलब क्या हुआ कि पीछे वाली कार 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही है, मारुति 800 है, और आगे वाली भी मारुति 800 है, वो चल रही है 50 किलोमीटर पर आर से, टक्कर होगी पक्की बात है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो टक्कर के बाद जो 100 किलोमीटर पर आर से चल रही थी वो 50 से चलेगी, और जो आगे वाली थी वो 50 से चल रही थी वो 100 किलोमीटर पर आर से आगे जाएगी, डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगी। क्लियर? तो इसको प्रूफ करते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता। देखो, इसका मतलब दोनों मास बराबर होने चाहिए। अब हमारे पास V1 था, क्या फार्मूला था बताओ आप जल्दी से, पढ़ के नहीं बताना, सोच के बताना। M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। इसमें एम वन एम टू बराबर लिख कर दो, एम वन एम टू बराबर कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। ये तो ये क्या आ गया, जहां जहां एम टू है वहां भी एम वन लिख दो, तो टू एम वन अपॉन टू एम वन कट जाएगा, क्या आ जाएगा यू टू, तो वी वन बराबर क्या आया यू टू। इसका मतलब जो यू टू की वेलोसिटी थी वो क्या हो गई है, अब वी वन हो गई है, पलट गई कि नहीं पलटी। अब V2 कितना हो जाएगा फिर बताओ, V2 का फॉर्मूला बोलो, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2, इधर 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 M2 बराबर करो ये जीरो होगा
तो वी टू बराबर क्या आ जाएगा, यू वन। तो आपने देखा कि वी वन यू टू हो चुका है और वी टू यू वन हो चुका है, वेलोसिटी आपस में चेंज हो गई। और जब मैं वेलोसिटी चेंज करने की बात कर रहा हूं कि वेलोसिटी इंटरचेंज हो रही है, वेग आपस में बदल रहे हैं, तो वेग में दिशा भी होती है, तो डायरेक्शन भी आपस में बदलेंगी। समझ रहे हैं? तो यहां वेग आपस में बदल जाते हैं, वेलोसिटीज आर एक्सचेंज, इंटरचेंज कह सकते हैं, वेलोसिटीज ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं, ये ए है, इसकी स्पीड यू वन है, या इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आर है। ये बी है, इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आर है। बोलो टक्कर के बाद वी वन क्या होगा या वी ए क्या होगा? वी ए बताओ टक्कर के बाद। और मास सेम है, दोनों का मास सेम है। ए जो 100 से चल रहा था, बी 50 से चल रहा था, तो अब टक्कर के बाद ए की स्पीड क्या होगी? 50 हो जाएगी, बदल जाएंगे ना, 50 किलोमीटर पर आर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसके लिए बी देखो, बी कौन सी डायरेक्शन में चल रहा था? बी राइट साइड चल रहा था, तो टक्कर के बाद ए भी राइट साइड चलेगा। राइट साइड को एक्स एक्सिस मान लूं तो आई कैप लिख देता हूं, वेलोसिटी होगी। अब आ जाओ बी की वेलोसिटी क्या होगी? बी की टक्कर के बाद 100 हो जाएगी। अब 100 वाला कौन सी डायरेक्शन में चल रहा था? वो भी राइट साइड चल रहा था, तो 100 किलोमीटर पर आर ये भी आई कैप होगा। तो टक्कर के बाद वेलोसिटी तो इंटरचेंज होगी, साथ साथ उन वेलोसिटी का मतलब है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंटरचेंज होना। यहां पर चूंकि सेम डायरेक्शन में ही पहले चल रहे थे, तो टक्कर के बाद डायरेक्शन चेंज हुई भी तो आपको पता नहीं चला। लेकिन अगर ऐसा हो, एक और एग्जांपल मैं आपके पास ले लूं, देखिएगा, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं। मान लो ऐसा कुछ हो, तो एक ए बॉडी है एम मास की, 100 किलोमीटर पर आर से राइट साइड चल रही है। इसके सामने एक बी बॉडी है M2 मास की, वो पास में, इसके पास में आ रही है 50 किलोमीटर पर आर से, और M1 और M2 आपस में बराबर हैं। तो बताइए टक्कर के बाद A की वेलोसिटी क्या होगी? टक्कर के बाद A की वेलोसिटी क्या होगी? 50 हो जाएगी। चलो टक्कर के बाद 50 हो गई, लेकिन 50 की डायरेक्शन भी तो 50 की डायरेक्शन भी तो आएगी इसके साथ, यानी ए जो इधर जा रहा था वो अब इधर जाएगा, यानी कि ये माइनस का जे डायरेक्शन में आएगा, माइनस का आई डायरेक्शन में आएगा। किस में आया? माइनस आई में आया। ये बात समझ में आई? यानी सोचो दो मारुति कारें एक दूसरे के पास आ रही हैं एक लाइन पर, एक 100 से चल रही थी, एक 50 से, टक्कर हुई, तो जो 100 से टकराई थी वो वापस बैक होगी, कितने से? 50 से। और जो 50 से टकराई थी वो वापस बैक होगी 100 से, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज होंगी। तो अब अगर आपसे मैं पूछूं बी की स्पीड क्या है, तो बी इधर चल रही थी तो बी ए बन जाएगी, और ए इधर चल रही थी उसकी वेलोसिटी भी साथ में लेके चलेगी, यानी 100 किलोमीटर पर आवर आई कैप। तो देखो बी जो इधर चल रहा था वो भी इधर जाने लगा, तो इसका फाइनल डायग्राम क्या बनेगा? फाइनल डायग्राम ये बनेगा, ए है ये बी है, तो बी ए जाएगा इधर, कितने से?
50 से और बी जाएगा इधर कितने से, 100 से। क्लियर हो गई बात, ये केस समझ आ गया क्या करना था इसमें। अब अगर टारगेट बॉडी बहुत मैसिव है, मतलब बहुत है, उसका मास ज्यादा है, ज्यादा द्रव्यमान की है, मतलब एक ट्रक खड़ा हुआ है सामने, यह ट्रक चल रहा है और पीछे से एक साइकिल टकराती है ना, तो क्या कहानी होगी वो देखते हैं। या आगे एक साइकिल खड़ी है या चल रही है, पीछे से ट्रक टकराता है उससे, तो एक बॉडी बहुत हैवी हो और दूसरी बॉडी बहुत लाइट हो, तो उस केस में कोलिजन में क्या होता है। और कोलिजन इलास्टिक है, मतलब कहीं भी कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं है। तो अब देखते हैं अगला केस, इफ एम टू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एम वन, इसका मतलब क्या है, एम टू टारगेट था, टारगेट इज वेरी मैसिव, लक्ष्य बहुत भारी है, ठीक है। तो अब क्या होगा बताओ, पहला फॉर्मूला क्या था बी वन का बताइए, जैसे डायग्राम बना लूं मैं, ये एम वन है, U1 से चल रहा था, M2 है आपका कितने चल रहा था, U2 से चल रहा था, टकराने के बाद M1 V1 से चला, M2 V2 से चला, तो अब अपने को V1 V2 निकालना है। तो V1 का फॉर्मूला बोलो जल्दी से, बार बार याद हो जाएगा, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, जो ऑनलाइन देख रहे हैं मन में बोलें जोर जोर से, यहाँ क्या हो जाएगा, U1 प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, बोलो V2 बताओ, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 U2 प्लस 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ कहानी ये है कि M2 बहुत हैवी है, M2 बहुत मैसिव है, जब M2 बहुत मैसिव है तो उसके कंपैरिजन में M1 बहुत छोटा है, तो हम M1 को हटा सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक हो ट्रक, उसका मास बहुत ज्यादा है, और एक साइकिल का मास, तो साइकिल का मास तो बहुत कम है, या ट्रक से हमने एक बॉल मार दी तो बॉल का मास बहुत कम है, तो उस साइकिल के या बॉल के मास को यहां से हटाया जा सकता है। तो M2 हैवी बहुत ज्यादा है, M1 बहुत कम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, M1 कैन बी निगलेक्टेड, M1 को निगलेक्ट कर दिया, हटा दिया, M1 को हटाओ जरा यहां से, हटाने का मतलब उसकी जगह जीरो लिख दो, तो V1 कितना आ जाएगा बताओ, M1 निगलेक्ट किया मैंने, मतलब उसकी जगह जीरो लिखा, तो ये जीरो, ये जीरो, M2 M2 कट गया, तो क्या आया, माइनस का U1, इधर M1 जीरो, M2 M2 कट गया, तो कितना आया, प्लस का 2U2, ऐसे ही कुछ आ रहा है, ठीक है। यहां पर माइनस M2 अपॉन M1, ये M2 M2 कट गया, तो B1 इक्वल टू माइनस का U1, और ये आ गया है। अच्छा, दूसरा V2 कितना आएगा बोलो, V2 की कहानी बताओ, M1 को जीरो लिखना है, तो ये जीरो लिख दो, M2 अपॉन M2 वन हो गया, तो यानी U2 प्लस M1 को जीरो लिखना है, तो पूरा ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास ये बना, ये इक्वेशन बनी, V1 इक्वल टू माइनस U1 प्लस 2U2 अपॉन, और दूसरा V2 इक्वल टू U2, तो फाइनल वेलोसिटी ये होगी और दूसरे की फाइनल वेलोसिटी ये होगी।
इसको एक एग्जांपल से समझाऊं मैं आपको, इसी के सब केस हैं। मान लो यहां पर एक ट्रक है, इसका मास है M2, ध्यान से सुनना, M2 मास है और ये रेस्ट में है। रेस्ट में है तो U2 बराबर क्या होगा? जीरो। U2 इक्वल टू क्या होगा? एक मिनट, जब तक आप बताओ जरा क्या आंसर आएगा। बोलो कितना है? कितना आ गया? यहां हम बात कर रहे थे कि ट्रक जो है ना वो रेस्ट में है, यू टू जीरो है, मतलब ये ट्रक रेस्ट में है, विराम अवस्था में। इससे एक साइकिल चली आ रही है, ठीक है, ये एक साइकिल है दौड़ता हुआ भागता हुआ ये आ रहा है, और कितनी स्पीड से आ रहा है? सपोज U1 स्पीड से आ रहा है, इसका मास M बनता, तो बोलो क्या हुआ? ये रेस्ट में तो U2 कितना हो जाएगा? जीरो। U2 जीरो, तो यहां U2 जीरो कर दो तो V1 कितना आएगा, मतलब साइकिल की स्पीड कितनी होगी टक्कर के बाद? U2 जीरो हो गया तो बराबर माइनस का कितना आया, देखो जरा, माइनस का U1। और V2 कितना आ जाएगा? U2 जीरो है तो U2 ही है तो जीरो। इसका मतलब फिजिकली मीनिंग क्या हुआ कि ट्रक टक्कर के बाद भी रेस्ट में ही है, लेकिन साइकिल की स्पीड माइनस की U1 हो गई, मतलब साइकिल अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टकराती है तो 50 किलोमीटर पर आवर से ही पीछे वापस बाउंस होगी, ठीक है। और ये इलास्टिक कोलिजन है इसलिए, हालांकि प्रैक्टिकली तो ये टकराएगा तो नीचे ही टपक जाएगा, है ना, लेकिन इसको अगर प्रैक्टिकली भी सोचो तो एक बॉल ले लो, बॉल को आप दीवार पर ऐसे जोर से फेंक दो तो बॉल उसका मास बहुत कम हो गया और दीवार का मास बहुत ज़्यादा है, तो दीवार पर ऐसे फेंकेंगे
तो दीवार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी स्पीड पहले भी जीरो थी अभी भी जीरो है, लेकिन जितनी स्पीड से हमने बॉल मारी है बाउंस बैक होगी उतनी ही स्पीड से। तो इसलिए क्या हो रहा है, वी वन इक्वल टू माइनस का यू वन। ठीक है, अब आप इसका उल्टा सोचो, उल्टा ये सोचो कि मान लो दूसरा केस, एम वन बहुत भारी है और एम टू कम है। अगला बना दूं, इसको हटा दूं, आपके लिए क्लास वर्क दे रहा हूं और दो मिनट का समय दे रहा हूं। इफ एम वन इज वेरी वेरी मैसिव देन एम टू, टारगेट बहुत छोटा है, टारगेट मास इज वेरी लेस, बताइए। तो आपको वी वन बताना है और वी टू बताना है। मैं आपको यहां डायग्राम बना देता हूं, ये एम वन जा रहा है यू वन से, एम टू जा रहा है, और डायग्राम बनाने के बजाय हम प्रैक्टिकल डायग्राम बना लें। एक ये ट्रक है, ठीक है, इसका मास एम वन है, यू वन स्पीड से चल रहा है, और ये साइकिल है, ये यहाँ दौड़ा जा रहा है यू टू स्पीड से, ठीक है, इसका मास एम टू है। अब बताइए क्या होगा टक्कर के बाद, ट्रक की स्पीड क्या होगी और टक्कर के बाद साइकिल की स्पीड क्या होगी। बनाओ, दो मिनट का समय दे रहा हूँ, बना लिया। यस, क्या रहा है बताओ। अगर हम वी वन की बात करें तो वी वन का फॉर्मूला क्या था, एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू यू वन प्लस टू एम टू यू टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूं। अब हम इसमें क्या हटाएंगे,
M2 हटाएंगे, मतलब M2 को आपको जीरो लिखना है, जहाँ जहाँ M2 है वहाँ जीरो लिख दो। तो ये तो जीरो हो गया ये वाला। अच्छा यहाँ पर M1 अपॉन M1 कट जाएगा, तो V1 इक्वल टू क्या आएगा, और ये M2 जीरो लिखोगे तो पूरा जीरो हो गया, तो आपके पास V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, U1। यानी यहाँ आ गया V1 इक्वल टू U1। इसका फिजिकल मीनिंग ये हुआ कि इसकी स्पीड पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ट्रक U1 स्पीड से चल रहा था, 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, तो अभी भी B1 इक्वल टू U1 ही है, मतलब अभी भी 100 किलोमीटर पर आ रही है। तो ये तो 100 किलोमीटर पर आवर से ट्रक चल जाए चलता रहेगा, टकराने पर ट्रक की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन साइकिल की स्पीड देखो, साइकिल का फार्मूला क्या था, ये V2 का फार्मूला, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 U2 प्लस 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू हो गया। अब M2 जीरो कर दो, ठीक है, M2 मैं जीरो कर दूँ तो ये जीरो हो गया। इधर M2 जीरो कर रहे हैं हम, इधर M1 M1 कट गया, ठीक है। तो अब जरा चेक करो कि क्या हुआ। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा V2 बराबर कितना आ गया, माइनस का U2 प्लस 2U1, ये स्पीड होगी। अब अगर इसी में इसका सब केस है, इफ साइकिल रेस्ट में है, इफ M2 यानी टारगेट जो है M2 इज एट रेस्ट, रेस्ट में रहा होता तो क्या होता बताओ। साइकिल रेस्ट में होती, ये रेस्ट में रखी है साइकिल, तो क्या होता। तो उस केस में M2 रेस्ट में है तो यहाँ U2 की जगह जीरो पुट कर दो, तो V2 बराबर क्या आ जाता, 2U1। यानी साइकिल अगर रेस्ट में होती और 100 किलोमीटर पर आवर से ट्रक टकराता तो ट्रक की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइकिल जंप होती कितने से, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी ट्रक की स्पीड जो है उससे डबल स्पीड से जंप हो, ठीक है। तो ये है यहां पर इलास्टिक कोलिजन का पहला पार्ट। अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, बहुत सारी थ्योरी है, दो दिन लगेंगे और इसमें। तो एक पार्ट अभी इलास्टिक का हुआ है, अब इलास्टिक के अभी बहुत सारे पार्ट हैं। टू डायमेंशन कोलिजन है अभी इलास्टिक में, फिर इनलास्टिक कोलिजन आएगा, एनर्जी किस तरह से चेंज करना है इनलास्टिक में वो आएंगे। तो अभी दो टर्न का और है ये, फिर हम स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन। तो इतना कर लीजिए आज, और आज शाम की जो क्लास है ना, आज शाम की क्लास ऑफलाइन नहीं है, ठीक है। तो आज मुझे एक जगह बाहर जाना है, तो मैं हो सकता है कल शाम तक लौट पाऊँगा, तो इसलिए आज ऑफलाइन क्लास नहीं है। शाम को ऑनलाइन शाम वाली क्लास होगी, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान में कहीं से भी बैठ कर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, या तो इसलिए ऑनलाइन तो होगी शाम की क्लास, लेकिन आज शाम की ऑफलाइन नहीं होगी। अब आज शाम को मैं हो सकता है 12th का ही पढ़ाऊँ या 11th का ही कोई पार्ट ले लूँ, ठीक है, लेकिन क्लास होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। ऐसे ही हिंदी वाले समझें, कल की जो क्लास है मतलब हिंदी मीडियम में शाम की जो क्लास है वो ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन नहीं होगी, ठीक है।